गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि क्या आप लोको पायलट बन सकते हैं अगर आपकी आंखों में चश्मा भी लगा हुआ है तो। क्योंकि ये सवाल आप में से काफी लोगों ने पूछा है और मैं कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ कि मेरी कैटेगरी के भी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जिनको रेलवे पसंद होंगे लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा लगा हुआ है। सो आज की वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आप अपना लोको पायलट का सपना आगे परस्यू कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो भाई लोग, इस सवाल का जो जवाब है वो हाँ भी है और ना भी है। क्या भाई, सुबह से हम ही मिले हैं क्या? कुछ लिखा है क्या हमारे माथे पे? भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बट एक्चुअली इस सवाल का जो आंसर है वो यस भी है और नो भी है। ठीक है, आप बन भी सकते हो चश्मा लगा के और आप नहीं भी बन सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले नहीं वाले की बात करते हैं कि आप क्यों नहीं बन, मतलब नहीं बन सकते में आएंगी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ठीक है, कि रेलवे ऑफिशियली आपसे क्या क्या मांगता है अगर आपको लोको पायलट बनना है। यहाँ पे मैं फिटनेस की बात करने वाला हूँ। ठीक है, अगर आप खोलेंगे यहाँ पे RRB की वेबसाइट और वहां पे जाके अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस फील्ड के लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है एंड प्लस आपको जो विजुअल रिक्वायरमेंट्स है वो एकदम हाई लेवल की चाहिए हमें। बात ये इन्होंने बात एकदम क्लियर कर दी है आप लोगों से। ठीक है, तो उसके बाद ये लोग कहते हैं कि हमें यहाँ पे A1 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। अभी A1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे रेलवेज ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, मतलब RRB ने अपनी वेबसाइट के ऊपर कई सारे मेडिकल स्टैंडर्ड लिखे हुए, जैसे कि A1, A2, A3, B1, B2, C1, C2। ठीक है, ये कई सारे स्टैंडर्ड है जो कि हर टाइप की जॉब पर अप्लाई होते हैं। तो लोको पायलट पे यहाँ पे A1 अप्लाई होता है और ये A1 के अंदर आपको चाहिए 6x6 का विजन। ठीक है, 6x6 का विजन क्या होता है वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। आपको यहाँ पे चाहिए 6x6 का विजन विदाउट ग्लासेस। उसके बाद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा फॉग टेस्ट क्लियर, कलर विजन टेस्ट क्लियर, बायनोकुलर टेस्ट क्लियर, नाइट विजन आपका कैसा है वो चेक करा जाएगा और फील्ड ऑफ विजन चेक करा जाएगा। फील्ड ऑफ विजन कितना आप यहाँ पे बना सकते हो वो चेक करा जाएगा। ठीक है, ओके, ये सारे टेस्ट आपको एक्यूरेटली मतलब इनको इनसे निकलना पड़ेगा 100% तरीके से, आप तब एलिजिबल हो। ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था कि ये आप बन भी सकते हो। हाँ बिल्कुल बन सकते हो। वेल, ये जो आंसर है ये एक लोको पायलट ने दिया है, ये आंसर एक लोको पायलट ने दिया है, बट ये रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, वो लोग कहते हैं कि अगर आप किसी भी ग्लास को लगाते हो, मतलब चश्मा पहनते हो और वो नंबर बहुत ही मिनिमल है, बहुत कम नंबर है, मतलब लेस देन 1 या 0.5 से के अराउंड का नंबर है, तो चल जाएगा। ठीक है, वो कहते हैं कि सब्जेक्ट टू द, जो ये टेस्ट मैंने सारे आपको बताए थे ना अभी, इन सब टेस्ट पे डिपेंड करता है कि वो टेस्ट आप क्लियर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। बहुत बेसिक सी मैंने एकदम सरल भाषा में बता रहा हूं, अगर आपका ग्लास का नंबर, अगर आपके चश्मे का नंबर इन टेस्ट के आड़े आ रहा है तो भाई नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर वो नंबर इतना मिनिमल है कि ये सारे टेस्ट आप बहुत नॉर्मली क्लियर कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आप अभी भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आपको बस अपना RRB का एग्जाम देना है, उसके बाद आप एलिजिबल हैं ये सब करने के लिए। ठीक है, बात करते हैं अब कि 6x6 विजन क्या होता है। थोड़ी सी ज्यादा जानकारी इसलिए दे रहा हूँ यहाँ पे मैं क्योंकि इस बात को खत्म करते हैं, बहुत समय हो गया परेशान होते हुए। ठीक है, तो आप लोग गए होंगे अपनी आईसाइट टेस्ट कराने कभी ना कभी, अगर आप इस बात से परेशान हैं तो। ठीक है, तो वहां पे जो आपकी आईसाइट टेस्ट होती है, यहाँ पे फोटो देख सकते हो, इस फोटो के अंदर जो लास्ट रो है, सेकंड लास्ट रो, अगर आप वहां तक पढ़ लेते हो विदाउट ग्लासेस, अगर आप वहां तक अक्षरों को पढ़ लेते हो विद अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर, ठीक है, तो आपकी आईसाइट नॉर्मल है। अब इसको हम कहते हैं 6x6, मतलब यहाँ पे डिस्टेंस को 6 मीटर होता है, आई थिंक ये 6 लाइन्स है, इस वजह से इसको 6x6 यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये वाला विजन मैंने आपको समझा दिया ये चाहिए होता है। तो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ रही है और ये क्लियर है कि आप बन सकते हैं या फिर नहीं बन सकते हैं। जो भी आपका केस है आप उस पर अप्लाई करके देख लो कि आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो और उसी हिसाब से आप अपने आप को जज भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। शुभम कुमार सैनिक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।